अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अबू बकर 3D ज्वेलरी डिज़ाइन। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये एक रिंग बनाना सीखेंगे, ठीक है। और इसके एक एक पॉइंट को आज की हम इंशाल्लाह क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसका एक एक पॉइंट किस तरह से हमने क्रिएट करना है, किस तरह से बनाना है, और इसके एक एक पॉइंट को हमने इस तरह से देखना है कि किस तरह से हमने इसकी जड़ाई वगैरह की जो स्टोन सेटिंग है, स्टोन के बीच का गैप है, इसको किस तरह से हमने आप कह लें कि आसानी से एक लेवल पे लेके हमने इसको चलना है, और स्टोन सेटिंग किस तरह से करनी है कि निकलने के बाद जब हमारा ये रिंग हमारे हाथ में आए तो उसकी स्टोन सेटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट हमारी आए। एक एक चीज़ को इंशाल्लाह आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वो रिंग है जिसकी क्लास मैंने आप लोगों को आज देनी है, आप लोगों के साथ इसको मैंने डिस्कस करना है। तो एक एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा, और ध्यान से उसको समझिएगा, ध्यान से फॉलो कीजिएगा, ताकि आप लोगों के जहन में जो भी कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। तो हम बिना टाइम ज़ाया करे चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ और वहाँ जाके इसको डिस्कस करते हैं। अगर इस तरह की कोई रिंग आप लोगों के पास यानी कि जहन में हो, या आप लोगों के पास कोई पिक्चर वगैरह हो, तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आप लोगों को डिटेल से एक वीडियो बना के सेंड कर दूँगा, किसी भी किस्म का कोई टॉपिक हो। क्योंकि ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे पिक्चर भेजी थी, उसने कहा कि सर मुझे इसको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो आप मुझे ये थोड़ा सा बता दें। तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना दी और आप लोगों के साथ भी उसको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के जहन में भी अगर कोई इस तरह का पॉइंट हो तो वो क्लियर हो जाए। तो हम लोग अपने मैट्रिक्स पर बढ़ते हैं, वहाँ जाके इसको हम डिस्कस करते हैं कि हम उसको किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने मैट्रिक्स के ऊपर। मतलब ये देख, सबसे पहले थ्रू फिंगर में जाके ना हम जो हमने रिंग बनानी है ना, जो हमने आज छल्ला बनाना है, उसका सबसे पहले हमने लेना साइज़। क्या साइज़ लेंगे? थ्रू फिंगर में, यहाँ पे जो भी हमें साइज़ चाहिए, या से एक में जाके मैं सर्कल ले लूँ, यहाँ पे 16 mm या 17 mm या 18 mm, जो भी चाहिए। मैं 17 mm का सर्कल लेता, ये मेरा सर्कल ले लिया। उसके बाद मैं जेम्स में जाके ना यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर गोल राउंड खोल के यहाँ से मैं कोई भी स्टोन सेलेक्ट कर लूँगा जो मुझे चाहिए, जैसे कि 2.4, ठीक है 2.4 मैं इसको उठा के ले आया यहाँ तक। ये जितनी भी मुझे यहाँ से थिकनेस इसकी मोटाई जितनी भी चाहिए ना वो मैं रख लूँगा, इसको मैं इतना कर लेता हूँ यहाँ पर, ये चीज़ मैंने यहाँ रख ली, ठीक है। और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर, इसको बंद किया, और यहाँ से मैं जाऊँगा कर में जाने के बाद ये देख, ये है रेक्टेंगल, इस पर क्लिक किया, और ये राउंडेड, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद थ्रू साइड व्यू में आऊँगा, और साइड व्यू में आने के बाद इसका पॉइंट देखूँगा कहाँ पर सर्कल ख़त्म हो रहा है। इसको खोला हमने ऐसे, ये हमारा सर्कल यहाँ पर ख़त्म हुआ, और इसको इतना खोलेंगे हम, ठीक है। इतना करने के बाद इसको हम यहाँ से ऐसे राउंड कर देंगे, ये चीज़, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद मूव की कमांड पकड़ के इसको मिड से पकड़ के यहाँ लगा देंगे मिड में ऐसे, ठीक है। ये हमने मिड में लगा दिया यहाँ पर, और इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि मिड में लग गया या नहीं। ये हमारा मिड में नहीं लगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया, नगीने के मिड में लग गया हमारा, ये लग गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़ के यहाँ से सरफेस में जाके स्वीप बंद कर देंगे और राइट क्लिक कर देंगे, हमारे पास ये रेडी हो गया, ठीक है। इसके अंदर के जो कर्व है उनको हम हाइड कर देते हैं रेड कलर देके, लॉक कर दिया मैंने। अब स्टोन मैंने खोल लिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब स्टोन मेरा यहाँ पर है, हल्का सा इसको मर्ज करेंगे, लाइट सा बिल्कुल, ठीक है। अब इन जो स्टोन है ना हमारे ये वाले, इनको हम ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पॉलर करेंगे। पहले हम क्लिक करते हैं 20 पे डिवाइड, ये फासला बहुत ज़्यादा है, हम इसको करते हैं 26, बस ये ठीक है, ये फासला इतना ओके है, ठीक है, क्योंकि बाहर से जंग आ जाएंगे इसके, वो कवर कर लेंगे इसको, राइट क्लिक। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कर्व में जाके यह एक सिंगल लाइन लेते हैं और एंड पॉइंट खोलते हैं यहाँ नगीने का, ठीक है। और उसके बाद इसको इतना यहाँ से इतना ऊपर लगाते हैं यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद आर्क लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, और इसको ऐसे ये चीज़ खोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला कर्व हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमने इसको देना ये कलर, और इस कर्व को लेकर ना, ये जो हमने कर्व सेलेक्ट किया है, इसको हम यहाँ से लुकिंग डाउन में जाके प्लास्टिक व्यू करेंगे, और रोटेट पकड़ के F4 दबा के इसको यहाँ तक ले आएंगे ऐसे, ये चीज़, ठीक है। जब इसको मिरर करेंगे तो हमारा ये दोनों तरफ आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हल्का सा हम ऐसे बाहर निकालते हैं, और यहाँ ऐसे इसको मैंने किया है सॉलिड में जाके मैंने इसको किया डायमीटर पे क्लिक किया और 0.45, ठीक है। ऊपर से मैंने किया राउंड, ये राउंड मैंने कर दिया 0.4 का, इसको मैंने किया यहाँ मिरर, ठीक है, ये मिरर हो गया। अब देखो इसकी मजबूती भी यहाँ पे हमारी ऐसे आ गई, ठीक है। अब इन दोनों जंगों को लिया और ये हमने ग्रुप तो कर लिया। अब देखो ये आधा यहाँ पे आ गया, जब इसका मिरर करेंगे यानी अरे बोला तो आधा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद
अरे बॉलर उसी पे डिवाइड करेंगे तो ये देख आ गया हमारा, ठीक है। तो आप इसकी दो तरीके से काम कर सकते हैं कि इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, अगर इसको मर्ज करना चाहें तो हम मर्ज भी कर सकते हैं। तो हम इसको मर्ज करके एक ही जंग बना लेंगे, उसको पहले हम करेंगे अनग्रुप और इस वाले जंग को पकड़ के F4 दबा रोटेट F4 और हल्का सा इधर मिरर कर देंगे ऐसे, वो उधर हो गया। अब दोबारा अरे बॉलर F4 और डिवाइड किया, थोड़ा सा हमने इसको यहाँ ऐसे बाहर निकाला, इस वाले जंग को ना अनग्रुप किया, अनग्रुप किया हल्का सा यहाँ निकाला, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आ गई हमारी मजबूती। अभी 0.4 और 0.4 का जंग टोटल हमारा 0.8 हो गया, अब ये एक जंग बन गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इसको ग्रुप किया और यहाँ से अभी हमारा देखो हमने ग्रुप कर लिया इसको, उसके बाद हम इसको करेंगे मिरर, ठीक है। ये हमने यहाँ मिरर कर लिया, ओके हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसकी मजबूती भी आ गई, जंगों में इसकी पकड़ भी आ गई और हमने यहाँ पे इसको ग्रुप भी कर लिया। अब ये एक स्टोन लेंगे सिंगल सेंटर वाला, साइड व्यू में जाएंगे, इसका डुप्लीकेट लेंगे यहाँ से, इसको यहाँ निकाला और इसको हमने ऐसे कर लिया ये चीज़, ठीक है, थोड़ा सा नीचे किया। अब जो हमारा गोल राउंड होता है ना, गोल स्टोन, इसको हम ऐसे 2D से भी छोटा कर लेते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये गोल राउंड ऐसा राउंड है कि ये हमें कहीं पे भी ना इसका जो साइज़ है वो गोल राउंड साइज़ मिल जाता है। अगर तो मार्की हो या ओवल शेप हो उनको छोटा इस तरह से नहीं करना, क्योंकि वो यानी साइज़ वगैरह मिलने में प्रॉब्लम होती है, गोल शेप मिल जाती है। इसको मैं हल्का यहाँ से ऐसे छोटा करूँगा दोबारा से ये वाली कमांड पकड़ के, उसके बाद मैं इसको यहाँ से इसका एक जंग बनाता हूँ, ठीक है, जो भी मुझे चाहिए। मैं पॉली लाइन लेता हूँ ये चीज़, ठीक है, यहाँ पॉइंट रखा यहाँ और फिर उसके बाद यहाँ रख लेते हैं ऐसे गए, ठीक है, और इसको हमने किया 0.4, ये ऐसे आ गया, ये 0.4 करते हैं इसको, ये 0.4 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, यहाँ से अरे पोलर ये सेंटर पॉइंट खोला और इसका सेंटर पॉइंट हमने इसको हमने यहाँ से बंद करना है, अल्लाह बरक यहाँ से ये हमने बंद कर दिया, ये इसका आ गया, ठीक है। उसके बाद तीन पर डिवाइड कर दिया और ये हमारे ये रहे, ये तीन जंग की बन गई हमारी, और प्रोस्पेक्टिव में जाके देख लेते हैं हम, ये रहे, ठीक है, ये रहे, ये चीज़ बन गई। अब इसको हमने किया ग्रुप, कंट्रोल क्यू दबाया, ग्रुप हो गया, इसको पकड़ा राइट क्लिक किया, ये भी ग्रुप हो गया। अब इसको हमने खोला, इसको रोटेट कॉपी किया, रोटेट कॉपी नहीं करना, रोटेट करना ये चीज़ है, बिल्कुल उसके सेंटर में ले आना, ठीक है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव और यहाँ ऐसे, और उसके बाद इसको हमने यहाँ ऐसे मर्ज कर देना बिल्कुल इसके अंदर, कि जंग हल्के से हमारे बाहर निकलते हैं वो बस, और इसको हल्का सा यहाँ से ऐसे रोटेट कर देंगे ये चीज़, और उसके बाद इसको यहाँ ऐसे मर्ज कर दिया हमने ये चीज़, ठीक है। अब इन्हीं जंगों के अंदर ये वाले जंग इसको कवर कर लेंगे और ये वाले जंग जो है वो इसको कवर कर लेंगे। अब उसी तरह से हमने जो ये वाला सोना हमारा पहले इसको अनग्रुप कर लेते हैं और इसको ये वाला कलर दे देते हैं, ताकि अरे बॉलर करें तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ग्रुप किया, उसके बाद थ्रू फिंगर में जाके अरे बॉलर F4 और 26, ये हमारा डिवाइड हो गया, ओके। ये राइट क्लिक किया, ये राइट क्लिक किया, इसको किया ग्रुप और प्रोस्पेक्टिव में जाके इसको हमने कर दिया इधर मिरर, ये हमारा मिरर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों स्टोन्स को हाइड किया, ठीक है, और इसको तमाम को पकड़ा और एक कलर दिया और यहाँ से ग्रुप कर दिया, ठीक है, और यहाँ से इन दोनों को हमने खोल लिया। तो ये देखो कितनी जल्दी और कितने आसान तरीके से हमने इसको बना लिया, ठीक है। मुँह से कोई बोलो भी तो समझ आई है कि नहीं आई मैंने जो बताया, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लो कि भाई यहाँ से समझ में मुझे नहीं आई, मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, कोई पॉइंट इसमें मुश्किल तो नहीं था, ठीक है। समझ आ गई मैंने किस तरह से बनाया, कि किस तरह से मैंने जंग लिए हैं, जंगों की मैंने जे बना के इसके अंदर मर्ज किए हैं, किस तरह से मैंने ये प्रॉन्ग बनाया है, सारा क्लियर हो गया, कोई परेशानी तो नहीं, कोई बना लोगे अब इसे, चलो ठीक। और आप लोगों को भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई समझ में सवाल ना आया हो तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।